बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा क्लास है वो क्लास फोर्थ टू सेवन्थ के लिए सब्जेक्ट मैंने लाया इंग्लिश, सॉरी उर्दू ग्रामर। तो मैंने टॉपिक लिया है इसम की कस्में। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसम की कितनी कस्में है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, इसम हमें हम किसे बोलते हैं कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करने को हम बोलते हैं इसम। तो इसी तरह हम आज देखेंगे कि इसम की कस्में कितनी है। तो इसम की कस्में कुल 12 है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, तो मैं पढ़कर भी सुनाती हूँ आपको। ध्यान रखे बच्चों, जो पहला है वो है इसमें आम, दूसरा इसमें खास, तीसरा इसमें कैफियत, चौथा जो है वो है इसमें अदी, और पांचवा जो है वो है इसमें गैर अदी, और छठा जो है वो है इसमें मादा, और जो सातवा है इसमें जमा, आठवां जो है वो है इसमें जामिद, नौवां जो है वो है इसमें मजदर, दसवां जो है वो है इसमें मुश्तक, जो ग्यारहवा है वो है इसमें फाइल, जो बारहवा है वो है इसमें मफूल। तो बच्चों, ये थी इसम की कस्में, कुल 12 थी जो आपने यहाँ पर देखी है, जो मैंने लिख कर भी रखी है। तो आप इसको नोट करके अपनी कॉपी पे लिखिए। तो हम जो आज डिस्कस करेंगे, हम आज दो पढ़ेंगे, इसमें आम और इसमें खास के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें आम और क्या होता है इसमें खास। तो बच्चों ध्यान रखिए, पहला जो हमारा है वो है इसमें आम। बच्चों, इसमें आम को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। बच्चे याद रखिए, इसमें आम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। तो बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने लिखा इसमें आम। इसकी डेफिनेशन, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि किसी भी हम आम शख्स के बारे में हम के कभी कभार हम किसी आम शख्स के बारे में हम बात करते हैं, आम जगह के बारे में हम बात करते हैं, या आम चीज कोई भी हो उसे हम कहते हैं इसमें आम। जो किसी भी आम शख्स के नाम को या जगह के नाम को जाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं, इसमें आम। तो
कभी कभार हमें बोला जाता है कि इसमें निकरा के बारे में आप मुझे बताइए कि इसमें निकरा क्या होता है। तो कंफ्यूजन आप इसमें ना रखिए, जो इसमें आम है इसको ही हम बोलते हैं इसमें निकरा या निकरा, यानी इसमें आम को इसमें निकरा भी कहा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, किसी भी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं, इसमें आम को इसमें निकरा भी कहा जाता है। तो बच्चों ये डेफिनेशन आप लिख के रखिए, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे यानी मसलन लेंगे। हाँ मैं किताब दरिया स्कूल वगैरह। तो बच्चों यहाँ पर मैंने मसलन लिया है हामिद, किताब, दरिया, स्कूल वगैरह। तो हामिद हमें ये नहीं पता है, मगर ये हमें पता है कि ये शख्स है जिसका नाम हामिद है, मगर ये एक खास नाम नहीं है, ये बल्कि एक आम नाम है, यानी कि कई लोगों का नाम हामिद होगा, यानी एक पर्टिकुलर एक इंसान का नाम हामिद नहीं है। तो किताब, ये भी हमें नहीं पता है कि किताब कौन सी किताब, ये हमें नहीं बताया गया है कि कौन सी किताब, बल्कि हमें ये बताया है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सीधा हमने किताब लिखा है, ये कोई भी किताब हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दरिया लिखा है, यानी कोई भी दरिया हो सकता है। स्कूल, ये भी हमें नहीं बताया गया है कि कौन सा स्कूल, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्कूल है। तो यानी यहाँ पर भी हमें सीधा आम यानी आम स्कूल जितने भी है, हम सारे स्कूल को स्कूल बोलते हैं, यानी ये आम है। इसी तरह हम देखेंगे इसमें खास क्या होता है। तो बच्चों ये नोट करके रखिए अपनी कॉपी पे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें खास किसे बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसमें खास, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि इसमें आम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। इसी तरह जो इसमें खास है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, किसी खास शख्स, खास जगह, और खास चीज, नाम को इसमें खास कहते हैं। इसमें खास को हम इसमें मुआरफा भी इसमें खास को इसमें मुआरफा भी कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए,
जैसे कि अभी हमने देखा इसमें आम की डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने अब लिखा है इसमें खास हम जाने कि आप इसमें का खास हमें हम किसे कहते हैं। तो इसमें खास यानी इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर मैंने लिखा किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को इसमें खास कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एक इंसान जो मशहूर हो, एक खास नाम, एक खास जगह, जो किसी भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ मशहूर हो, मतलब एक पर्टिकुलर नेम हो उसका, तो हम उसे कहते हैं ये इसमें खास, जो खास हो। जैसे कि हम बोलते हैं कोई शख्स हमारे लिए खास होता है, हम बोलते हैं ये चीज़ मेरे लिए खास है, मतलब वो एक चीज़ हमारे लिए खास होती है। बाकी जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं बस वो हम आम कहते हैं, मगर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी में एक अहमियत रखती है, एक खास चीज़ होती है। तो उसी तरह यहाँ पर भी मैंने पहले लिखा था इसमें आम यानी जो आम तौर की चीज़ें होती है, या आम शख्स के बारे में, आम जगह के बारे में कहते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर इसमें खास यानी एक पर्टिकुलर नेम, एक पर्टिकुलर जगह, कोई एक ऐसी मतलब एक खास चीज़, उसको हम क्या कहते हैं इसमें खास। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें आम को हम बोलते हैं इसमें निकरा भी कहा जाता है, इसी तरह आपको कभी कभार अगर कोई पूछेगा कि इसमें मोरफा के बारे में मुझे बताए, तो इसमें मोरफा भी हम किसे बोलते हैं, इसमें खास को यानी प्रॉपर नाउन को। तो अब हम मसलन यहाँ पर मैं लूंगी, जैसे कि जैसे कि अलामा इकबाल, ताजमहल, दिल्ली वगैरह। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने लिखा अलामा इकबाल, ताजमहल, दिल्ली, यानी अलामा इकबाल एक खास नाम है, ताजमहल एक खास जगह है, दिल्ली भी एक खास जगह है, यानी एक पर्टिकुलर नेम है इनका, यानी कि ताजमहल कहीं भी और दुनिया में नहीं है। यहाँ आप ढूंढेंगे अलामा इकबाल, ये भी मतलब दुनिया में कहीं नहीं होगा, यानी कि ये खास है हमारे लिए, यानी खास नाम है यहाँ पर हमारे लिए अलामा इकबाल, ये एक शख्स है, यानी हमारे यहाँ पर मेंशन हुआ है खास शख्स, यानी अलामा इकबाल यानी खास शख्स, ये किसी और का नाम नहीं हो सकता, किसी और शख्स का ऐसा नाम नहीं हो सकता है। या कभी कभार आपने सुना होगा कि हामिद, जैसे मैंने आम में बोला था, हामिद कई शख्स का नाम, कई सालों का नाम हो सकता है, लेकिन अलामा इकबाल एक का नाम, मतलब एक शख्स का नाम है अलामा इकबाल। और ताजमहल दुनिया में कहीं और नहीं है, आपको पता ही होगा ताजमहल के बारे में। इसी तरह ये भी एक खास जगह है, दिल्ली भी एक खास जगह है। तो ये था इसमें खास और इसमें आम, आज हम यही दो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, तो अल्लाह हाफिज़।